हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के एक और इंडिकेटर्स के बारे में, जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा पावरफुल इंडिकेटर है जिसका अगर प्रॉपर तरीके से यूज़ करा जाए तो अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकता है। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाई थी, एक RSI के ऊपर और ADX के ऊपर। आई होप आप सभी ने वो देखी होंगी। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं और आपके मन में कुछ क्वायरी है ADX और RSI को लेकर, तो उन वीडियो को जाकर तुरंत देख लें, जिससे आप पर जो भी क्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम नए इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले या आज के इंडिकेटर के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि आज का जो इंडिकेटर है वो बिल्कुल सेम एक स्प्रिंग की तरह काम करता है। आपने कोई स्प्रिंग देखी होगी, अगर उसे दबाया जाए और दबा के छोड़ा जाए तो एक बहुत तेज़ी से प्रेशर से आगे की तरफ जाती है। बिल्कुल सेम ठीक इसी तरह से जो बोलिंजर बैंड होता है वो भी ऐसे ही काम करता है। वो हमें स्प्रिंग के प्रेशर की जगह ये दिखाता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी कब बढ़ रही है और कब कम हो रही है। RSI हमको ये बताता था कि स्पीड क्या है, मोमेंटम क्या है। ADX हमें किसी भी ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताता था, और बोलिंजर बैंड हमें ये बताता है कि कब वॉलिटिलिटी मार्केट में आ रही है और कब कम हो रही है। क्योंकि बेसिकली हमें दोस्तों ट्रेड करने में तभी मुनाफा होगा या तभी प्रॉफिट होगा जब हम एक अच्छे वॉलिटिलिटी मोमेंट के टाइम पर ट्रेड करेंगे। अगर हम वैसे ही रैंडमली कभी भी ट्रेड करते रहेंगे तो ये पक्की बात है कि प्रॉफिट कम होगा और लॉस ज़्यादा होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं आज के इंडिकेटर के बारे में। दोस्तों, ये मैं अपने चार्ट पर आ गया हूँ, ये एक चार्ट खुला हुआ है रैंडमली। अब इस पर मैं बोलिंजर बैंड को प्लॉट करूँगा। मैं इंडिकेटर पर जाता हूँ और सीधा लिखता हूँ BOL, बोलिंजर बैंड। दोस्तों, ये इंडिकेटर का जो ऑप्शन होता है ये हर चार्ट, हर प्लेटफॉर्म पे और हर ऐप पे अवेलेबल होता है। हो सकता है कहीं ऊपर नीचे इधर उधर साइड वाइड में हो तो आप देख लेना। मैं चार्ट व्यू पे काम कर रहा हूँ, इसी के साथ आपको दिखाता हूँ। ये मैंने बोलिंजर बैंड लगा लिया। दोस्तों, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, इसमें आपको कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, ये वाला जो बैंड होता है ऊपर वाला, इसे अपर बैंड कहते हैं, इसे लोअर बैंड और इसे मिडिल बैंड। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी है तो उसमें मैंने एक अलर्ट पॉइंट का काम बताया था कि मिडिल बैंड के पास के अलर्ट पॉइंट बन जाता है। वो अलर्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों? ये जो मिडिल बैंड है ये एक अलर्ट पॉइंट का काम करता है कि अगर हमारा चार्ट या मार्केट यहाँ पर आ गई है तो यहाँ पे हम अलर्ट हो जाते हैं कि मार्केट यहाँ से तेज़ी से नीचे गिर सकती है या तेज़ी से ऊपर जा सकती है या फिर यहाँ से बाउंस लेके जा सकती है। अब हम देखते हैं इंडिकेटर कैसे काम करता है। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, जो मैंने स्प्रिंग वाला एग्जांपल दिया था ठीक वैसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक जो बैंड है बिल्कुल स्क्वीज हो गया है, दब गया है। इस मोमेंट में हमें पता चलता है कि इससे थोड़ी देर बाद या जैसे ही बैंड का मुंह खुलेगा वहाँ हमें वॉलिटिलिटी मिलेगी, वहाँ हमें मोमेंटम मिलेगा, वहाँ हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है, अच्छी रैली मिल सकती है। तो हमें सिर्फ इसी चीज़ का इंतज़ार करना है। अब जैसे ही देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक बोले जो बैंड है बिल्कुल स्क्वीज हो गया, मुंह छोटा हो गया, और जैसे ही मुंह इसका बड़ा होने लगा वहाँ मेरे को सिग्नल मिल गया कि यहाँ मैं ट्रेड कर सकता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको ट्रेड कहाँ लेना चाहिए। जो अभी तक मैं लेता आया हूँ, अगर उसके हिसाब से चलते हैं तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, मैं ट्रेड कब लेता हूँ, मैं पहले तो इस पॉइंट का वेट करता हूँ। अगर मेरा चार्ट, जो चार्ट है वो मिडिल बैंड के या इस बैंड के ऊपर नीचे घूम रहा है तो मैं कभी ट्रेड नहीं लेता हूँ। मैं ट्रेड कब लेता हूँ? जब कोई कैंडल बोलिंजर बैंड के अपर बैंड को क्रॉस करके बाहर निकल गई हो और दूसरी कैंडल भी बाहर बनी हो, तब मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ, अब यहाँ से वॉलिटिलिटी बढ़ने वाली है और मैं वहीं पर जाके अब अपनी एंट्री करता हूँ। दूसरे चार्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल इंडिकेटर है। जब से मैंने इसे सीखा है, यहाँ देख पाएंगे यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही है। यहाँ ये छोटी छोटी कैंडल में है दोस्तों, इनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। चाहे आप एक कैंडल लें, बड़ी कैंडल में प्रॉफिट कमा के बाहर निकल सकते हैं। अगर इनमें कैंडल लेंगे, इन कैंडलों पे प्रॉफिट लेंगे तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके चलते रहेंगे। मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल देख लेता हूँ। और
दोस्तों ये जो इंडिकेटर है हर टाइम फ्रेम पे काम करता है, लेकिन आप ऐसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। अब देखिए यहाँ पे इस स्प्रिंग का मुंह थोड़ा सा बड़ा था, धीरे धीरे छोटा हो गया, यहाँ आके बिल्कुल छोटा हो गया। और यहाँ जैसे ही मुंह इसने खोला, जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा हमने, तो यहाँ से वो प्रेस के साथ बाहर निकला और यहाँ से 3-4 कैंडल में ही बड़ा प्रॉफिट दे गया। अगर मैं इसे मंथली कर देता हूँ तो ये देखिए दोस्तों, ये HDFC का चार्ट है जो आने वाले टाइम पे अच्छी मूवमेंट देने वाला है। अभी देखिए यहाँ पे ये इस पहले देखिए यहाँ पहले देखिए ये जो बैंड का जो नीचे वाला बैंड है ये नीचे चला गया है, ऊपर वाला ऊपर चला गया, मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब धीरे 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 करके छोटा होता जा रहा है। अब दोस्तों आपको उस टाइम का वेट करना है, जैसे ही ये चार्ट अपना मुंह खोलेगा तो आपको अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। इसी का चार्ट है ये, और ये काफ़ी टाइम से सुस्त पड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मैं मंथली चार्ट पर देख रहा हूँ दोस्तों, टाइम बड़ा हो सकता है। ये मार्च 11 से 3 अप्रैल 17, यानी कि 6 साल से वॉलीटिलिटी तो है उसमें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी अब जाके हुई है। लास्ट 3 सालों से 4 सालों से जो वॉलीटिलिटी से बढ़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए यहाँ से बिल्कुल सुस्त पड़ा, यहाँ से एकदम बढ़ता गया। ऐसे ही आप इसे 1 महीने पर देख सकते हो, 1 हफ्ते पर देख सकते हो, 1 दिन पर देख सकते हो। अगर दोस्तों मेरी बात माने तो आप इस चार्ट को वीकली देखें, वीकली पे आपको अच्छा मोमेंट दिखाई देगा। डेली पे हो सकता है ऐसा खास मोमेंट ना दिखाई दे। इसको मैं फिर से वीकली कर देता हूँ और आगे चलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि अगर ये जो कैंडल जो है ये बैंड के अंदर है तो हम वॉलीटिलिटी नहीं होगी, वहाँ भी होती है पर वहाँ बहुत कम होती है। लेकिन जब ये अपर बैंड और लोअर बैंड से बाहर आ जाता है तो वहाँ वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हमको वही पॉइंट पकड़ना है कि कहाँ वॉलीटिलिटी ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। कम वॉलीटिलिटी वाले 4-5-10 ट्रेड लेने से अच्छा है एक ऐसा ट्रेड मिल जाए 1 हफ्ते में या 1 महीने में, जिससे पूरे महीने का काम चल जाए, पूरे हफ्ते का काम चल जाए। अब दोस्तों अगली वीडियो जो इससे अगली वीडियो आने वाली है वो बहुत पावरफुल होने वाली है, क्योंकि अभी तक हमने एक एक इंडिकेटर की एक एक वीडियो बनाई है। अब हम आने वाले वीडियो में ऐसा करेंगे कि 2 इंडिकेटर को एक साथ लेके चलेंगे। दोस्तों जब कहते हैं ना कि 1 से भले 2, वही काम अब होने वाला है, कि अभी तक की वीडियो में हमने एक एक इंडिकेटर का यूज़ करा है। अब जब हम 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो सोचिए हमारी ट्रेडिंग कितनी अच्छी हो जाएगी या इन्वेस्टिंग कितनी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों तब तक के लिए वेट करिए उस वीडियो का, जो अभी 1 या 2 दिन में लग जाएगी आपके चैनल पे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और मेरी वीडियो से सीखने के लिए मिलती है कुछ, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है। और दूसरा, अगर आप मेरी वीडियो पर कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं या लाइक करते हैं, तो उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना पाता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।